नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी चंडीगढ़। दोस्तों, दूसरे चरण के लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाकी हैं, 3 मई को दूसरे चरण का लॉकडाउन समाप्त होने को है और देशवासियों के जहन में ये बात आ चुकी है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद बढ़ेगा या नहीं, या उन्हें किस किस काम की छूट दी जाएगी। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले चरण के लॉकडाउन में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने जान है तो जहान का नारा दिया था। उसी तरह दूसरे चरण के लॉकडाउन की शुरुआत में भी उन्होंने एक भाषण में एक नारा दिया, जान भी जहान भी। उम्मीद है आपने दोनों का ख्याल रखा होगा। तो दोस्तों, बात पते की शुरू करते हैं। सभी के जहन में एक सवाल है, केंद्र सरकार की तरफ पूरा ध्यान है कि 3 मई के बाद उन्हें क्या छूट देने वाली है केंद्र सरकार या उनकी राज्य सरकारें। और देश में 739 जिले कुल मिलाकर हैं, जिनमें 307 ऐसे खुशकिस्मत जिले हैं जिनमें कोरोना के कोई भी केस पाया नहीं गया और 432 जिलों में कोरोना के केसेस पाए गए हैं। उनमें भी 129 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन 739 जिलों को जोन्स में विभाजित किया है। अब पहला जोन ग्रीन जोन है, दूसरा जोन ऑरेंज जोन है, तीसरा जोन रेड जोन है। दोस्तों, ग्रीन जोन्स वो एरिया हैं जिनमें कोरोना के अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। अगर वहाँ स्क्रीनिंग भी हुई है, टेस्ट भी हुए हैं, तो वो सभी केसेस नेगेटिव आई है उनकी रिपोर्ट। और उसी तरह ऑरेंज जोन में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस के आंकड़े हैं वो मध्यम हैं, ना ही ज़्यादा ना ही कम। और उसी तरह रेड जोन वो एरियाज हैं देश के जहां पर कोरोना पॉजिटिव केसेस एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हुए हैं। और दोस्तों, जब केंद्र सरकार ने इन 3 जोन को बांटा है तो इन 3 जोन्स में सबसे ज़्यादा छूट ग्रीन जोन को मिलेगी, उसके बाद ऑरेंज जोन में और रेड जोन में किसी भी तरह की छूट सरकार नहीं देगी, उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक रखा जाएगा। तो दोस्तों, ग्रीन जोन पे आते हैं पहले। ग्रीन जोन्स में कितनी छूट सरकार दे सकती है ये बताते हैं। यदि आपका एरिया ग्रीन जोन्स में है तो आपके एरिया में ट्रांसपोर्ट को एक सीमित दायरे के अंदर छूट मिल सकती है, कंस्ट्रक्शंस के कामों को छूट मिल सकती है, ईंट भट्टों के शुरू होने की गुंजाइश है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, फैक्ट्रियां, ये सब शुरू हो सकती हैं ग्रीन जोन्स के अंदर। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक रिपेयर, हार्डवेयर, इस तरह की जो दुकानें हैं वो भी खोली जा सकती हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सेम पहले की तरह किया जाना चाहिए। ये छूट आपको मिलेगी तब। और इसके साथ ही सैलून्स, स्पा, यहाँ भी छूट दी जा सकती है, लेकिन शर्तों के अनुसार कि यहाँ भीड़ नहीं जुटाई जाए। और अब आते हैं ऑरेंज जोन पर। ऑरेंज जोन में भी लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या छूट मिलने वाली है। दोस्तों, उन्हें हिदायतों पर, कम छूट पर ही गुजारा करना होगा। वो छूट क्या है हम बताते हैं। पहले की तरह राशन पानी की दुकानें खुलेंगी और उसके अलावा उन्हें
किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। 50% स्टाफ मेंबर्स के साथ कोई ऑफिस या दुकान खोली जा सकती है, किंतु भीड़ ना जुटाने की वही शर्त यहाँ भी लागू होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। और अब आखिरी रेड जोन, दोस्तों रेड जोन में 129 ऐसे एरियाज हैं देश में जिनको बिल्कुल लॉक्ड रखा गया है, उनमें किसी भी तरह की कोई छूट सरकार नहीं दे रही। जैसा कि आपको बताते हैं कि पंजाब में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पंजाब का एरिया भी हॉटस्पॉट एरिया है दोस्तों, बहुत संख्या में यहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव केसेस की भरमार हो रही है। और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार प्रयास जारी कर रहे हैं कि किसी तरह से कोरोना महामारी की रोकथाम की जाए। और उसी तरह अब सभी के जहन में एक बात और होगी कि शादी समारोह या अन्य धार्मिक कर्मकांड, इनके लिए क्या छूट दे सकती है सरकार। जी, इस पर सरकार कोई छूट नहीं दे रही। शादी समारोह उसी तरह से होगा कि 5 बंदे मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर शादी कर लें, उसके अलावा शादी समारोह करने की कोई छूट नहीं है। धार्मिक कर्मकांड का आयोजन, किसी तरह का कोई मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में या गिरजाघर में किसी तरह की कोई भीड़ जुटाने की इजाज़त नहीं होगी। तो दोस्तों, बात पते की आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि सरकार 3 तारीख के बाद देश के किस हिस्से में कितनी छूट देने वाली है। और हमारा आपको यही संदेश है कि सरकार के दिए निर्देशों का पालन आप करते रहें, सरकार आपकी सुरक्षा के बारे में सोच रही है, चिंतित है, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। पुनीत सैनी, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।